दोस्तों नमस्कार, मैं मार्गेश, आप देख रहे हैं फ्लूट गुरु जी। स्वागत है दोस्तों आपका फ्लूट अलंकार सीरीज के 6th वीडियो में। आज से दोस्तों हम हर वीडियो में एक अलंकार डिस्कस करने वाले हैं और टोटल दोस्तों 40 पैटर्न्स है, तो 1 से लेकर 40 ये सारे पैटर्न्स यानी अलंकार को हम डिस्कस करेंगे। हर वीडियो में एक कवर करने वाले हैं, राइट। इसमें हमने पहले जो पैटर्न है, पहला पैटर्न है सरगम, उसको ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियोस में, तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। और इस वीडियो से दोस्तों हम अलंकार में आगे बढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा सेकेंड अलंकार। ये जो सारे अलंकार से दोस्तों 1 से लेकर 40 तक के हमने हमारे अलंकार की ई बुक में कवर किए हैं, तो आप फ्लूट गुरुजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप फ्लूट अलंकार का जो ई बुक है उसका एक्सेस ले लीजिए। उसमें पूरे के पूरे 40 पैटर्न्स हैं, उन सीरीज के अकॉर्डिंग, उसके सीरीज के अकॉर्डिंग आज सेकेंड अलंकार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैटर्न को डिकोड करना है हमको, राइट। तो पैटर्न क्या है? सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा, ये हो गया दोस्तों फॉरवर्ड सीक्वेंस। और रिवर्स सीक्वेंस क्या है? सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। अगर इस अलंकार को आप गौर से देखते हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर सुर जो है वो 2 बार लिया गया है, तो ये है दोस्तों हमारा पैटर्न, राइट। अब इसको हम बजाने वाले हैं दोस्तों मेट्रोनोम पर। तो जैसे कि इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेट्रोनोम को सेट कैसा करना है, तो उस हिसाब से हम टेम्पो रखने वाले हैं दोस्तों 60 BPM का, जिसमें अगर मैं इसको ऑन कर दूं अभी आप सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये 60 BPM का हम टेम्पो ऑन कर देंगे और पैटर्न बजाने वाले हैं सेकेंड वाला, जिसमें हम क्या करेंगे कि हर एक सुर को 1 बीट पर लेंगे, राइट। तो पैटर्न है सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा। तो अभी हम 1 बीट पे एक सुर लेंगे, तो सा सा रे रे ग ग म म, इस प्रकार से, राइट। तो आरोह बजाएंगे और उसके बाद अवरोह बजाएंगे, सा सा नी नी ध ध प प, राइट। तो ये पैटर्न बन जाएगा जिसको आपको बजाना है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें अभी 2 जो सुर लेंगे हम सा सा, इसको बजाने के लिए हम टंगिंग टेक्निक का यूज करेंगे। अगर आपको टंगिंग टेक्निक नहीं पता है दोस्तों, तो इसको हमने एक अलग से वीडियो में सिखाया है, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आप टंगिंग के वीडियो को देखेंगे तो आपको टंगिंग टेक्निक समझ जाएगी। तो इसमें हम जो सा है उसको पहले सा को दूसरे सा को अलग दिखाने के लिए टंगिंग का इस्तेमाल करेंगे, ताकि 2 नोट्स अलग अलग हमको स्पष्ट सुनाई दे, राइट। अब इस पैटर्न को मैं बजा के दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ टंगिंग। मेरे पास जो फ्लूट है दोस्तों वो सी मिडल की फ्लूट है, तो ये मैं पूरी सीरीज जो है वो सी मिडल पे कवर करने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी स्केल है उससे भी आप बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पैटर्न आपको एक बार मैं बजा के सुनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या किया, हर सुर को 1 बीट पर लिया और उसको कंटिन्यूअसली बजाया। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एंड रिवर्स सीक्वेंस की 1 साइकिल। तो अभी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कैसे करना है कि इस पैटर्न को आपको लगातार 10 बार बजाना है, यानी कि आरोह और अवरोह ये 1 साइकिल हो जाएगी, इसको आप 10 बार कंटिन्यू बजाएंगे बिना रुके, राइट। तो ये आपका हो जाता है दोस्तों सेकेंड अलंकार, इसको आपको इस पद्धति से बजाना है। इसमें मैंने टंगिंग का इस्तेमाल किया और साथ में जब मैंने बजाया, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैंने बीच में ब्रेक नहीं किया सुरों को, उसको कंटिन्यू चलने दिया, तो कभी कभी मिस्टेक कैसी होती है, इस तरीके से लोग बजाते हैं, या फिर कई बार जब फ्लो में भी बजा रहे तो ऐसा, हमको बीच में रुकना नहीं है दोस्तों, राइट। हमको एक फ्लो में बजाना है, जिस तरीके से मैंने आपको बजा के दिखाया। तो ये है दोस्तों हमारा सेकेंड अलंकार। जैसे आपको समझ चुका है कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इस वीडियो में यहाँ तक ही सीखेंगे। अगला जो अलंकार है, पैटर्न है, उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।